वर्मा कंपोर्ट बना के आपको तेल घानी बोर्ड तक बना दे। आप तेल तेरे काम, तिलिन तेरे काम, सरसों अलसी और साथ साथ हमारे जंगल में हमारे गांव में खूब नीम के पेड़ होते, नीम के तेल तक बेचना है, करंज तक होते ओकरो तेल पेरना है, हमारे यहाँ कोआ होते टोरा होते ओकरो तेल, अरे गांव गांव चरौटा होते ओकरो तेल निकलते, वो तेल निकाल के बेच दो। और रामदेव बाबा रामदेव घर बेचेगा तेल, हमारे गांव वाला मत तक तेल बेची शुद्ध तेल। तो तेल हानि बोर्ड भी पैद बनाए हमारे जटेगंज के चर्मकार चर्म शिल्पकार बोर्ड बना है, हमारे लौकार शिल्प लौ शिल्पकार बोर्ड बना है। एक मन के माध्यम से जिन गांव के जिन हुनरमंद है हमारे जिन कारीगर मन है वही मान लो वहां काम देकर उनको वही मान लो जगह दे दो और मन के उत्पादन लग बेचे काम, ताकि हमारे बाहर पलायन करेगा उसको तमत पड़े। हमारे तो भारत सरकार लगाओगन कि भय हमारे धान उत्पादन होते जबकि हमारे पीडीएस में हमारे दुकान में चावल लगते बाद जिन धान है तेरा एक्सचेंज जमा कर सकते मना कर रहे थे भारत सरकार का आएगी थे कि हाँ समर्थन मूल्य से एक रुपया भी ज्यादा दे दे तो तोर चावर ला नहीं खरीदन। पिछले साल के काम के 2500 नहीं खरीदन, ठीक है भाई हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें, पिछले साल 10,000 देने सर 9,000 रुपया दो किस्त पहुंच गए। अब फिर पिछले साल के थे कि केवल के धान और मक्का भर में दे गन्ना भर में दे दूसर में नहीं दे, तो हम कहें ये सर बरसात में जैन फसल भी बो हुई चाहे वो सब्जी बोए फल बोए गन्ना गन्ना लगाए मक्का लगाए धान बोए कोदो कुटकी रागी लगाए वो दलहन तिलहन के फसल बरसात में लगाए वो सब लोग 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मैं लाभान्वित करबो। भारत सरकार लटके कहा थे हमारे धान खूब हो गए एथनॉल बनाए के अनुमति दे दे, वो अनुमति नहीं दे दे। यदि एथनॉल बनाए के अनुमति दी तो गन्ना से भी एथनॉल बनते, मक्का से भी बनते और धान से भी बनते। हमारे धान लो 1300-1400 रुपए क्विंटल में हमें नीलाम कर सक, तुम्हारे से 1900 रुपये हम खरीदे, हम 1300-1400 रुपये हम बेचा सक, वही लोग हम एथनॉल बना देवो तो पेट्रोलियम बन गई और ओकर से जहां किसान मान लो दाम मिली फैक्ट्री लगी तो रोजगार नौजवान मान लो रोजगार मिली और भारत सरकार विदेशी धन जो पेट्रोलियम पदार्थ मिली अंडक के टेन बच। लेकिन वो मान लो समझ नहीं आते, वो माना गाय के नाम से वोट मांग सकते गौ माता के सेवा नहीं कर सका। आज जब हम सेवा करे थे तो ओकर जो टी रही तुम तो कहा थे लालू प्रसाद चारा खाई भूपेश बघेल गोबर खाई मदर हवन छत्तीसगढ़ ये मन गोबर खाए के लिए दिखे नहीं भाजपा वाले मन ला एक जन आई पुरंदेश्वरी देखे कि थूक दे तो बहा जाइए। अरे हम कोई ढेला पथरा के भी भूल जाबो ढेला ना मन भूल जान पथरा मन जन भूल जान सूखा पत्ता ना जन कुआ जान। अरे हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ यह किसान के बेटा है और उपाय के हम नारा लगा था कि छत्तीसगढ़िया एक बार जोरदार नारा होना चाहिए पीछे तक क्या आवाज आना चाहिए छत्तीसगढ़िया। आज छत्तीसगढ़ के किसान के चेहरा में चमक है, मजदूर मन के चेहरा में विश्वास है सरकार के प्रति, हमारे दीदी बहने मन आत्मविश्वास से भरे है, हमारे नौजवान मन में रोजगार रहेगा हमारे मन की कोशिश। प्याज ठेका दे 20 लाख तक के ठेका हमारे पढ़े लिखे लड़का हमारा मिला थे, बड़े बड़े जिन ठेका है इंजीनियरिंग पढ़ने वाला नौकरियां रखे तो कर जिम्मेदारी जबका साथ की चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे वो राजस्व विभाग हो सब में भर्ती करा था। हजारों आज नौकरी के विज्ञापन निकले नौजवान मैं हमला अवसर देना है बात जो है हमें कहा था हमारा फैक्ट्री लगना चाहिए उद्योग लगना चाहिए हमारे लेकर हम बाहर के उद्योग में जाकर नौकरी नहीं करना चाहिए वो उद्योग हम छत्तीसगढ़ में लगा वो हमारे नौजवान मतलब नौकरी मिला है।
हर व्यक्ति पर योजना बनाए के काम, जहां 22 लाख किसान हमारे ओकर धान खरीद के राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लाभ दे सन, 39 लाख जो घरेलू बिजली उपभोक्ता है तेकर मन के बिजली बिल 4 फीट तक आधा, 56 लाख परिवार है तेकर राशन कार्ड वो 35 किलो चावल दे सन, 10 लाख जो एपीएल कार्डधारी है वो मल्ला लाभान्वित तो सन, 1,87,000 गौपालक है तेकर मन के गोबर खरीदे काम करे सन, 10 लाख हमारे मजदूर मर रही वो मतलब 6,000 रुपये सालाना हमन सहायता कर लो। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में ऐसे कोनो परिवार नहीं बाजी जो लाभान्वित नहीं करन। तो हमारी कोशिश है कि हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत बने। हमारे छत्तीसगढ़ में सुपोषण की योजना आज नीति आयोग तक तारीख तरह की 18% कुपोषण दूर हो छत्तीसगढ़ में। इन्हें हमारे बेटी माई मान है जिन्हें शरीर में खून की कमी है ओला दूर करे काम और छत्तीसगढ़ सरकार करे थे। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार केवल आय बढ़ाए काम नहीं करे थे बल्कि हमारे लड़का मन के शिक्षा की व्यवस्था करे थे। अरे बस्तर जैसे जगह में, सुकमा जैसे जिला में जहां सैकड़ों पाठशाला मन बंद हो रही से हमारे सरकार आए बाद पाठशाला मन फिर से शुरू हुए। जगह जुंगा जैसे जगह में हायर सेकेंडरी स्कूल खोल शुरू करेंगे नक्सली मन के गढ़ काला थे वो 350 लड़का भर्ती और पढ़ाई करे थे। आज जेल नक्सल क्षेत्र में घुस नहीं सकत रही से आज होकर मान में घुस के हमारे जिन कलेक्टर है, हमारे एसपी है, हमारे थानेदार है, हमारे तहसीलदार है, हमारे महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी है, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी है, हमारे फूड विभाग के अधिकारी में जाकर राशन कार्ड बना थे। आज वो जो सिलगेर के जगह में कैंप लगाए एक दिन में जंगल जंगल से दूरिया दूरिया से आके एक दिन 3,000 राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड सब बना थे। अब नक्सली में सिमट गए हैं कावर के हमर जो योजना है फॉरेस्ट साइट एक तरफ पट्टा दे के काम जिन जंगल में रहा थे होकर मन के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से लाभ पहुंचाए के काम ये सब चला था। तो आज केवल आय बढ़ाए के नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन काम करें आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाए, पहले वहां के हर जिला मुख्यालय हुई 27 ठग खोले, दूसरा साल जनपति सीमा के नाम हो गए 52 ठग, अब बढ़ के 172 हो गए। अभी कादरी तक मुंगेली के जिन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सबसे सुंदर मैं ओकर उद्घाटन करे वर्चुअल उद्घाटन बहुत खूबसूरत सबसे बढ़िया मुंगेली के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे गरीब लड़का मन पढ़त हुआ। हमारे गरीब लड़का मन अनुसूचित जाति के जनजाति के किसान घर के लड़का मन मजदूर घर के लड़का मन अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी बोले थे वो मतलब पढ़े का अधिकार है छत्तीसगढ़ सरकार मतलब उपलब्ध करा थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिन कारण है आप सब देखे कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य विभाग जिन जिला प्रशासन पुलिस विभाग हमारे नगर पालिका नगर निगम के कर्मचारी ये मन जिन काम करे, राजस्व विभाग के पंचायत विभाग के जिन कर्मचारी मन काम करे, विभिन्न सामाजिक संगठन के मन काम करे, दूसरा लहर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रही से लेकिन आप सब जब मेहनत करे हमारे अधिकारी कर्मचारी मन मेहनत करे, डॉक्टर मन मेहनत करे, हमारे मितानी मन काम करे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जिन काम करे, कोरोना सबसे पहली कंट्रोल हो काम छत्तीसगढ़ में हो। ये हमारे ताकत हमारे एकता वो पहले तुम्हारा नारा लगवाया ना छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया फोकट में नारा नहीं लगवाए और छत्तीसगढ़ ये मन करके दिखा दे। दिल्ली वाला मन तो हाफो फ्री से यहां से ऑक्सीजन के, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के, दिल्ली के, लखनऊ के, राजस्थान, पंजाब यहां से ऑक्सीजन कहां कहां नहीं जाके लोगों मन के जान बचाए काम करे। ये छत्तीसगढ़ के ताकत और हमारे यही काम करके बताना है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हमारे पुरखा मन जो सपना देख रहे थे साकार करके दिखाना है। तो आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, हमारे मिलजुल के काम करना है। बहुत जन बहुत अगर बात कहा रहे थे वो बात में नहीं आना है बल्कि
छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे गरीब परिवार कैसे गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, किसान मन कैसे सक्षम बनाना है, नौजवान मन रोजगार कैसे देना है, हमारे बेटी बहनों मन कैसे हमसे आत्मनिर्भर बनाना है, ये दिशा हम सब मिलकर काम करो तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि छत्तीसगढ़ सबसे आगे और अग्रगति। हमारे गांव गांव में राजी मितान क्लब की घोषणा करें, बहुत जल्दी सब पंचायत में राजी मितान क्लब के निर्माण हुई, जिन 15 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति मर रही, 35% और महिला मर रही, और हर 3 महीने में 25,000 रुपया, साल भर में 1,00,000 रुपया वो समिति ले दे दो सर, मना ही 2,500 के संख्या में एक समिति बनी, जिन पंचायत में 2,500 से अधिक तो 2 समिति बनी, राज्य विकास क्लब 2 भी बनी, और हर क्लब में 25,000, और क्लब के काम का हुई हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करे थे, हमारे पहचान छत्तीसगढ़िया मन के, हमारे मन के जो तीज त्योहार है, हमारे मन के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो ना हमारे लोग करना है, हमारे संस्कृति में बढ़ावा दे के काम, दूसरा हमारे खेल कूद में बढ़ावा दे के काम, तीसरा हमारे शासकीय योजना बहुत बगल बना है उसका लाभ हितग्राही मल्ला मिलना चाहिए तेकर काम, और चौथा हमारे गौठान है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाबो, उन्हें मेहनत करे काम करी, उन्हें लोगों में जोड़े काम करी, ये काम राजी मितान क्लब के हुए। तो छत्तीसगढ़ के जब का योजना है हर गरीब आदमी जिन पढ़े लिखे नहीं है, जिन दिन रात मेहनत कर रखे वो ऑफिस नहीं जा सके, वो मतलब लाभ पहुंचाया काम राजी मितान क्लब के माध्यम से। तो ये नौजवान मंडल योजना हम लाभ है, उसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला मिली, बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है, बहुत उमस भी है, बदली भी खून है, फिर भी बड़ा धैर्य पूर्वक तुम्हें सुना था, तो आखिरी दिन मांग रखे सब साथी मन तेकर बारे में कुछ घोषणा, डिंडौरी में कोऑपरेटिव बैंक की घोषणा करा था, जरा गांव में तहसील के घोषणा, और मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज नहीं है तेकर घोषणा, लालपुर के दिन वहां हर साल द्विभाषी राज की जयंती 18 दिसंबर को मनाए जाते, तो वह सौंदर्यीकरण करे के घोषणा बहुत सुंदर होना उधर सौंदर्यीकरण, पथरिया में कॉलेज बिल्डिंग के जिनवाल है बाउंड्री वाल है तेकर घोषणा, और पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी घोषणा करा था। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात सम्मानीय अनुग्राही मल्ला अब चेक और सामग्री वितरण, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि छत्तीसगढ़ में लगातार रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन की ओर से 14 विशेष बैगा जनजाति के युवक मल्ला अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ कर दूरस्थ अंचल में मल्ला पढ़ा के जिम्मेदारी दे जा रहा है, आमंत्रित कर रहा है, ये अतिथि शिक्षक आकर नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कर कमरे से ग्रहण करी। श्री तीतीश कुमार बैगा, मंजू बैगा, शिव कुमार बैगा, राकेश कुमार बैगा, मिथिलेश बैगा, जोहित कुमार बैगा, अशोक कुमार बैगा, राजकुमार बैगा, रामकिशन बैगा, प्रीतम कुमार बैगा, राज सिंह बैगा, पुत्तल सिंह बैगा, श्री गजेंद्र कुमार बैगा, हरिश्वर सिंह बैगा, ये सभी अतिथि शिक्षक के रूप में